राज कपूर ने तो हिंदी सिनेमा में राज किया। उनके तीन बेटे हुए रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजू कपूर। तीनों बेटों में से सिर्फ ऋषि कपूर ही बॉलीवुड में नाम कमा सके, बाकी दो बेटों का करियर उनकी खुद की गलती से तबाह हो गया था। राजू कपूर जिनका जन्म 25 अगस्त 1962 को हुआ, राज कपूर ने अपने सबसे छोटे बेटे राजू कपूर का नाम चिंपू रखा। कपूर खानदान के थे इसलिए बस 12वीं तक ही पढ़ाई की, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे करना क्या है। पूरा खानदान ही एक्टिंग में था तो उनको भी वही करना था। सपने बड़े बड़े थे क्योंकि बॉलीवुड के शोमैन जो थे राज कपूर। लेकिन चिंपू को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इनके पिता ने ही इनका साथ नहीं दिया। कहते हैं कि राजू अपने करियर को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं थे, इसलिए राज कपूर उनसे नाराज रहा करते थे। एक दिन राज कपूर ने बेटे राजू कपूर को बुलाकर कहा, बेटा चिंपू, इस उम्मीद में मत रहना कि राज कपूर अपनी थाली में तुम्हारे लिए फिल्म का ऑफर सजा कर लाएगा। बेटे को हीरो बनाने में मदद तो नहीं की, लेकिन हाँ, अपनी फिल्म में प्रेम रोग के सेट पर दूसरे छोटे मोटे कामों में जरूर लगा दिया। राजू कपूर सेट पर झाड़ू लगाते और दूसरे कर्मचारियों के साथ खाना भी खाते थे। कभी कभी तो उन्हें ऋषि कपूर से डांट भी खानी पड़ती थी। बाद में परेशान होकर उन्होंने खुद अपने रोल्स की तलाश की और एक फिल्म हासिल भी कर ली। साल था 1983 का। फिल्म थी एक जान है हम। पहली फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो गई, लेकिन फिल्म का एक गाना काफ़ी हिट हुआ, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। राज कपूर ने बेटे को एक मौका देने का फैसला किया। वह एक फिल्म बनाने जा रहे थे जिसमें एक नई हीरोइन यास्मीन जोसेफ थी। हीरोइन के साथ उन्होंने अपने बेटे राजू को हीरो बना दिया, लेकिन राजू तो फिल्म में ध्यान देने की वजह कहीं और ही ध्यान दे रहे थे। फिल्म में एक और एक्ट्रेस थी, दिव्या राणा। उसके साथ राजू का अफेयर शुरू हो गया और वह फिल्म के सेट पर ही फिल्म की शूटिंग में ध्यान कम और दिव्या के साथ इश्क ज़्यादा फरमा रहे थे। यह बात राज कपूर से भी छिपी नहीं थी। उन्होंने बेटे को सबक सिखाने के लिए एक फैसला ले लिया। उन्होंने फिल्म में अपने ही बेटे का किरदार कमज़ोर कर दिया और यास्मीन पर सारा फोकस कर दिया। 1985 में फिल्म आई राम तेरी गंगा मैली और आते ही फिल्म ने धमाल मचा दिया। यास्मीन रातों रात स्टार बन गई और मंदाकिनी के नाम से मशहूर हो गई, लेकिन राजीव कपूर सुपरहिट फिल्म में बस टहलते रह गए। उनकी कोई पहचान ही नहीं बन सकी। राजीव फिर अपने पिता के पास पहुंचे और कहा कि एक और फिल्म बनाइए और इस बार वैसा ही फोकस मुझे दीजिए जैसा मंदाकिनी को दिया था, मगर राज कपूर ने साफ मना कर दिया। इसके बाद से कहते दोनों बाप बेटे के बीच नफरत की दीवार खींच गई थी जो कभी टूट नहीं पाई। राजू कपूर इसके बाद लवर बॉय, हम तो चले परदेश, जबरदस्त और लावा जैसी फिल्मों में हीरो बनकर आए, लेकिन सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। राज कपूर ने कुछ समय बाद हीना फिल्म बनानी शुरू कर दी। राजू कपूर उनको लेने के लिए एक बार फिर वहाँ गए, लेकिन राज कपूर ने साफ इनकार कर दिया। अब तो राजू इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने अपने पिता का चेहरा भी देखना नहीं चाहते थे। उनकी नफरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हीना बनाने के दौरान ही राज कपूर की मौत हो गई थी और राजू उनके अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं हुए थे। इन्हें एक आर्किटेक्ट आरती सभरवाल से प्यार हुआ। दोनों ने साल 2001 में शादी की, लेकिन 2 साल में ही उनकी बीवी उन्हें छोड़कर चली गई। कोई बच्चे भी नहीं थे, ऐसे में वह सारी जिंदगी अकेले ही दुख में जीते रहे। सालों तक अकेले ही रहते रहे, दुख में डूबने के कारण ज़्यादा शराब भी पीने लगे थे। वह एक बार फिर वापसी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन साल 2021 में एक अनहोनी हो गई। 9 फरवरी 2021 को सिर्फ 58 साल की उम्र में कपूर खानदान का यह चिराग दुखों को छेलता हुआ दुनिया को अलविदा कह गया।